हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं मसूर साबुत दाल के चावल बनाऊंगी। आप इसे खिचड़ी भी बोल सकते हैं और नमकीन चावल भी बोल सकते हैं। ये वाली दाल ली है मैंने मसूर की, और ये छोटी कटोरी ले ली है, एक कटोरी दाल आधा घंटा पहले भिगो ली है, और एक छोटी कटोरी चावल ले लिए, ये भी भिगो ली है मैंने। इसमें 2 तेज पत्ता जाएगा, 2 छोटी लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची, अगर बड़ी इलायची ना हो तो 2 छोटी इलायची डाल सकते हैं, 2 लौंग हैं और आधा छोटा चम्मच जीरा है, 1 मीडियम प्याज ले लिए, थोड़ी सी अदरक है, 4 हरी मिर्चें छोटी छोटी, और 1 आलू है। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो। इधर मैंने 1 कड़छी रिफाइंड ले लिया है, छोटी वाली कड़छी, और गैस जला लिया है। सारे खड़े मसाले इसमें डाल लेंगे एक साथ। अदरक को लंबा लंबा काट लेंगे, पतला पतला, और प्याज भी ऐसे ही काट लेंगे हम लंबी लंबी। मिर्चें आप साबुत भी डाल सकते हैं, मैं ऐसी मोटी मोटी काट के डाल रही हूँ। मिर्चें और अदरक ये साबुत मसालों में ही डाल लेते हैं पहले। आलू भी मैं इसी में काट लूंगी, फ्राई कर लेंगे हल्का सा इन्हें, थोड़ी देर इन्हें भून लेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे। इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे और 1 चम्मच नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ी देर ये फ्राई हो गए हैं 2 मिनट के लिए, अब मैं प्याज भी डाल लेती हूँ, प्याज को भी भून लेंगे थोड़ा सा। प्याज भी हमने भून लिया है, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को, हल्का ही भूनना है बस। अब मैं ये मसाले डाल लेती हूँ इसमें, मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये दाल और चावल हम इसमें डाल लेंगे, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं चावल मसूर की दाल वाले। दाल और चावल भीगे हुए हैं, वही कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया इसमें डालने के लिए, और इसे 2 सीटी लगा लेंगे और ढक्कन नहीं खोलेंगे इसका, बाद में खोलेंगे स्टीम निकलने के बाद। दो सीटी आ गई हैं, हमने गैस बंद कर दिया और कुकर ठंडा हो गया था हमारा ये।